जमानत की अर्जी मुंबई सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। तीस्ता की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तीस्ता सीतलवाड़ की कभी भी गिरफ्तारी अब संभव है। विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल का ये मामला जिसमें उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया है मुंबई के सेशंस कोर्ट की तरफ से। सामाजिक कार्यकर्ता हैं तीस्ता सीतलवाड़ जिनकी गिरफ्तारी अब कभी भी संभव हो सकती है। विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप उन पर लगा जिसको लेकर अब गिरफ्तारी कभी भी संभव है। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या अब ये माना जाए कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है तीस्ता की? देखिए, एंटीसिपेटरी बेल खारिज होने का मतलब ही यही है कि अब उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी भी उनके पास कानूनी प्रावधान जो है वो बाकी है। अब यहाँ से वो हाईकोर्ट जा सकती है, हाईकोर्ट में एक बार फिर से वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकती हैं, और अगर हाईकोर्ट उनकी बेल पर आज सुनवाई करता है और गिरफ्तारी पर रोक लगाने का कोई आदेश सीबीआई को देता है तभी उनकी गिरफ्तारी रुक सकती है, वरना तीस्ता शीतलवाड़ को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। सबरम फाउंडेशन में जो बाहर से पैसे आए, विदेशों से जो पैसे आए थे उसमें गलत इस्तेमाल का आरोप है और उसके खिलाफ सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद वो स्पेशल सीबीआई कोर्ट पहुंची थी एंटीसिपेटरी बेल के लिए। दो बार उन्हें अंतरिम राहत मिली भी, लेकिन आज जो आखिरी सुनवाई हुई उसमें उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। जी बिल्कुल, आज उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज किया है और अब ये माना जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। विदेशी फंड के दुरुपयोग का आरोप उन पर लगा था जिसको लेकर उन पर मामला चला और अब कभी भी गिरफ्तारी संभव है। क्या तीस्ता सीतलवाड़ की तरफ से कोई बयान अब तक आया है, क्या कोई रिएक्शन उनकी तरफ से? देखिए, फिलहाल वो मीडिया से तो बात नहीं कर रही है, कोर्ट में जरूर उन्होंने अपनी बातें रखने की कोशिश की, लेकिन तब तक अदालत ने फैसला अपना सुना दिया था। उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका थी वो खारिज कर दी है। अब वो और उनके पति जिनके खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है अपनी वकीलों की टीम के साथ हाईकोर्ट की तरफ मुखातिब है, वहां जाएंगे और वहां पर एक बार फिर से एंटीसिपेटरी बेल फाइल करके वहां पे कोशिश करेंगे कि उन्हें वहां से कोई राहत मिल जाए। जी रचना, राजेश अगर ये माने कि अगर अब गिरफ्तारी होती है तो आगे किस तरह का एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है, जिस तरह का मामला उन पर दर्ज है उसे देखते हुए? देखिए, उनकी गिरफ्तारी होगी, सीबीआई को कई सवाल उनसे पूछने हैं। सबरम फाउंडेशन में जो पैसे पिछले कई सालों से जो आए हैं उसमें सीबीआई का कहना है कि गलत इस्तेमाल हुआ है, बेजा इस्तेमाल हुआ है। तीस्ता ने उनका इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए किया है, अपनी लविश लाइफ है जो जैसी वो जीती है उसमें उसका इस्तेमाल किया है, तो तमाम आरोप है उनके ऊपर और यही वजह है कि सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। तो सीबीआई के पास कई सवाल है, यही वजह है कि सीबीआई चाहती है कि वो कस्टडी में लेके तीस्ता और उनके जो पति हैं उनसे पूछताछ करे और यही वजह है कि मामला दर्ज किया गया उनके ऊपर। इसीलिए अब कस्टडी भी सीबीआई चाहती है ताकि कस्टडी में लेकर वो उनसे और उनके पति से पूछताछ कर सके इस पूरे मामले को लेकर जो भी सीबीआई के मन में सवाल है। शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए राजेश। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।